अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारा एमएसडॉस का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें मैं आज आपको थोड़ा सा एमएसडॉस के बारे में बताऊंगा। ये है क्या, किस तरह वर्क करते हैं। एमएसडॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान इंटरप्रेटर के तौर पर काम करता है। हम इसे इंग्लिश में कमांड्स देते हैं और ये उन कमांड्स को मशीन लैंग्वेज में तब्दील कर देते हैं, और इसके बाद कंप्यूटर इसको प्रोसेस करके हमारे सामने जो भी रिजल्ट होते हैं वो शो कर देते हैं। एमएस डॉस के मज़ीद चार कंटेंट्स हैं, जिनमें एक बूट रिकॉर्ड है, दूसरा एमएस डॉस डॉट सिस्ट है, और तीसरा आईओ डॉट सिस्ट मीन्स के इनपुट आउटपुट सिस्टम फाइल्स है, और चौथा कमांड डॉट कॉम है। मैं फर्स्ट बूट रिकॉर्ड, सेकंड एमएसडॉस डॉट सिस, जो थर्ड है वो आईओ आईओ डॉट सिस, और जो चौथे नंबर पे वो है कमांड डॉट कॉम। ये चार मेन फीचर्स जिन पे वो वर्क करते हैं। इसके बाद जो बूट रिकॉर्ड है वो क्या है। जब हम किस कंप्यूटर अपने को स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट होते हुए जो भी प्रोसेस करता है मीन्स के सिस्टम को स्कैन करता है। बाज़ूकात आप देखती हैं कि सिस्टम जब ऑन होता है तो अगर कीबोर्ड या माउस उसके साथ अटैच ना हो तो वो हमें एरर दे देता है कि आपकी ये डिवाइस जो है इसके साथ अटैच नहीं है। तो उस प्रोसेस को जो सिस्टम को स्कैन करके उसकी डिवाइसेस को चेक करता है उसे हम बूट रिकॉर्ड कहते हैं। अब इस बूट की मज़ीद दो हिस्सा हैं, जिसमें एक वार्म बूटिंग है और दूसरा कोल्ड बूटिंग है। ये वार्म बूटिंग क्या है। वार्म बूटिंग वो बूटिंग है जहाँ हम अगर हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाता है या कोई वर्क नहीं कर रहा होता तो हम तीन कीज की मदद से उसको रिस्टार्ट कर देते हैं। कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट, जब हम एडवांस इनको प्रेस करते हैं तो जो हमारा सिस्टम होता है वो रिस्टार्ट होता है, और इसको हम वार्म बूटिंग कहते हैं। जबकि कोल्ड बूटिंग वो बूटिंग है जब हम सिंपली अपने सिस्टम के बटन को दबाते हैं तो सिस्टम हमारा ऑन हो जाता है, और ऑन होने के बाद वेलकम स्क्रीन जब आती है तो उसको हम कहते हैं कोल्ड बूटिंग। अब इस एमएस डॉस के अंदर जो कमांड्स होती हैं, कमांड्स की दो टाइप्स होती हैं, जिनमें एक होता है इंटरनल कमांड्स और दूसरी होती है एक्सटर्नल कमांड्स। एमएस डॉस इसमें ऊपर जो ये दो फाइल्स हैं, इन दो फाइल्स में ये जो एमएस डॉस है, एमएस डॉस ये फाइल का नाम है, जबकि ये जो सिस्टम एस सिस्ट है ये फाइल की एक्सटेंशन है। फाइल की एक्सटेंशन से मुराद के इस चीज एक्सटेंशन से एमएस डॉस उस चीज की शिनाख्त करता है कि ये फाइल किस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है,
और ये क्या वर्क करती है, मीन्स कि अगर यहाँ पे पीपीटी होती तो वो पावर पॉइंट की फाइल होती, टेक्स्ट होती तो वो वाइट पैड की फाइल होती, और अगर पीएसडी होती तो वो एडोब फोटोशॉप की फाइल होती। और ये io.sys इनपुट आउटपुट ये सिस्टम फाइल है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।